पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में 25 फरवरी को महागठबंधन की विशाल रैली आयोजित की जाएगी। इसको लेकर सभी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। महागठबंधन की रैली की तैयारी का जायजा लेने के लिए पूर्णिया पहुंचे राजद के प्रदेश युवा अध्यक्ष कारी सोहेब सहएमएलसी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि यह महारैली पूरे देश को एक मैसेज देगी, खासकर सीमांचल के लोगों को एकजुट करने के लिए यह रैली आयोजित की जा रही है, ताकि 2024 का जो चुनावी शंखनाद होगा उसमें सीमांचल की भागीदारी जबरदस्त हो सके। साथ ही साथ इस रैली के माध्यम से महागठबंधन 2024 में अपना परचम लहराते हुए देश में महागठबंधन की सरकार बनेगी और फिरकाप्रस्त ताकतों को उखाड़ फेंकेगी। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा राजद के जिला अध्यक्ष नवीन यादव भी मौजूद थे। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि 25 तारीख को जो महागठबंधन की रैली होगी वह अभूतपूर्व होगी। आवाम खुद तैयार है, चारों तरफ मैं अभी घूम रहा हूं, कई दिनों से सभी इलाके में मैं गया हूं। लोगों में जोश व खरोश जो है वो ज़बरदस्त है, उत्साह बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी युवा राष्ट्रीय जनता दल अपनी पूरी ताकत पूरी शक्ति झोंके हुए है और युवा राजद के एक एक कार्यकर्ता गाँव कस्बों में जा कर के लोगों को न्योता दावत दे रहे हैं और लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और जो लोग एक दिन पहले आज आ जाएंगे दूर के इलाके से, उनके यहाँ रहने और खाने का भी इंतज़ाम हमारे युवा अध्यक्ष कर रहे हैं नवीन जी। तो केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ जो गुस्सा है लोगों का और केंद्र सरकार की जो नीयत और नीति दोनों, जो निगाह, जो ख़राब निगाह और गंदी नीति सीमांचल के लिए जो है, जो सीमांचल को वे चाहते हैं कि एक अलग से एक केंद्र शासित राज्य बना करके यहाँ के लोगों पर जुल्म ढाया जाए, इसके खिलाफ यहाँ के तमाम लोग गुलबंद होकर के खड़े हुए हैं। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, इन दोनों के नेतृत्व में जो सरकार, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो शानदार काम कर रही है। और जिस तरह से नीतीश जी और तेजस्वी जी की क़यादत में जो काम चल रहा है, जो बिहार का विकास हो रहा है, भाजपा के लोगों को ये पच नहीं रहा है। तो बिहार के लोगों ने यह तय किया है कि जिस तरह से देश में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई तो गांधी जी ने बिहार को चुना और बिहार से ही एक जो इनकलाब आया वो पूरे मुल्क में एक मैसेज किया और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में देश के लोग कामयाब हुए। तो आज एक बार फिर उन्हीं अंग्रेज़ों के मुखबिरों ने, जो दलालों ने, जो उनके चमचोजे, जो उस आज़ादी की लड़ाई में वो लोग अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, वैसे लोगों ने फिर से, उनके चेलों ने, उन तमाम लोगों ने फिर से इस देश पर कब्ज़ा कर लिया है। तो फिर से एक बिहार से एक लड़ाई शुरू होगी, वो लड़ाई आज़ाद कराने की लड़ाई थी, ये लड़ाई हिंदुस्तान को आज़ाद रहने देने की लड़ाई है, जो कब्ज़ा कर रहे हैं उससे बचाने की लड़ाई है, आज़ादी को बचा के रखने की लड़ाई है। और फिर से इसी बिहार के सीमांचल के धरती से जो इनकलाब शुरू होगा ये पूरे देश में पैगाम जाएगा, पूरे देश में मैसेज जाएगा और पूरे देश के तमाम लोग गोलबंद हो रहे हैं, तमाम बेरोज़गार नौजवान, सबसे ज़्यादा जो है भारत में नौजवान बेरोज़गार हैं, महंगाई चरम पर है। लोग तो हम गाँव में जा रहे हैं तो कह रहे थे कि अच्छे दिन नहीं चाहिए हमको, पुराने दिन लौटा दो, लोग ये बता रहे हैं। तो जो नफ़रत पैदा कर रहे हैं पूरे देश में, नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं, लोहिया और जेपी और कर्पूरी के सपनों को जो लोग साकार करने के लिए, उनका जो विचार, लोहिया के विचारधारा, समाजवादी की जो विचारधारा था, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, गांधी की अस्मिता को बचाने के लिए सब लोग गोलबंद हो रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए तमाम दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज, तमाम लोग, अगर आप पिछड़ा, सारे लोग जो लोग हैं सब लोग एकदम तैयार हैं देश के संविधान को बचाने के लिए, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि अभी इस देश में नफ़रत वादियों का कुछ नहीं चलेगा, यहाँ से मोहब्बत का पैगाम चलेगा। और जो लोग तलवार और छुरी की बात करते हैं, हम फूल की बात करते हैं। फूल जो है ना वो खुशबू देता है, तलवार खून देता है। और साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीमांचल के लोगों में केंद्र सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है इस बात का है कि केंद्र सरकार ने, भाजपा की सरकार ने हमेशा सीमांचल के साथ भेदभाव करने का काम किया है। सीमांचल के साथ कभी भी मोहब्बत भरी निगाह से उन्होंने कोई काम नहीं किया, ना उनको देखा। आप देखिए एयरपोर्ट की बात है, जहाँ तक वो अमित शाह जी आए उसी रणभूमि मैदान में
करके चले गए कि ये एयरपोर्ट शुरू हो गया और यहाँ से लोग फ्लाइट चालू हो गया और झूठ झूठ बात, चूंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, झूठ इतनी बार बोलती है कि लोग सच समझ बैठे। तो एयरपोर्ट के लिए भी आखिर क्या दिक्कत है? लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, सीमांचल की जनता मांग कर रही है कि एयरपोर्ट चालू करो, क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? लोगों में इसका भी आक्रोश है। इसलिए मैं तमाम लोगों को, मैं आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप कल का जितना भी काम धाम है, जो भी आपकी ज़रूरियात है, उसको बंद कीजिए और कल सारे लोग बड़ी तादाद में, लाखों लाख की तादाद में लोग पहुँचिए और पहुँच करके ये बता दीजिए कि केंद्र ने जो सीमांचल के साथ नाइंसाफी की है उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा तैयारी है, ठीक है, और हम लोग पिछले 10 दिन से हम लोग जुटे हुए हैं और आज हम आप लोग के माध्यम से युवाओं को भी संदेश देना चाहते हैं, जितने भी रोजगार हैं सब कल आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अच्छा, युवा राजद की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है? जो लोग आएंगे यहाँ पर महारैली में शामिल होंगे दूर दराज से, उनके लिए क्या तैयारियाँ की जा रही है? जैसे मधेपुरा, सहरसा, जैसे मतलब दूर से जो आएंगे तो हम लोग यहाँ रहने का व्यवस्था किए हैं, ठीक है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रहने पर जो आज आ जाएंगे उनके रहने का व्यवस्था, रात के खाने का व्यवस्था, कल सुबह नाश्ता करा के हमने उनको वहाँ पर जुगा लेंगे। श्री बालाजी एजेंसी, NH-31 गुलाबबाग, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथ टब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहां फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NH-31 गुलाबबाग, पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। सिटी मॉल, जिला स्कूल रोड, पूर्णिया। एक्सक्लूसिव एंड मल्टी ब्रांडेड शोरूम। यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सिटी मॉल, जिला स्कूल रोड, पूर्णिया। यहाँ सभी रेंज के मनमोहक और आकर्षक डिजाइन वाले कपड़े उपलब्ध हैं। एक बार अवश्य पधारें सिटी मॉल, जिला स्कूल रोड, पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9341505229, 9341505230।